ये है पूरा जंगल का सीन। आज तो काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि जंगलों के बीचों बीच में हूँ मैं, आप देख सकते हो चारों तरफ से जंगलों के बीचों बीच में हूँ मैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है आज जंगलों में आने का, काफ़ी दिनों के बाद। अब हल्की फुल्की धूप भी आने लगी है, सीधे आँखों पे लग रही है। ये देख सकते हो आप, पूरे जंगलों के बीच हूँ मैं इस समय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम तो ये देख ही सकते हो, मुँह से कैसे धुआं निकल रहा है, चारों तरफ ऐसा भयंकर कोहरा लगा है। आज हम जाने वाले हैं ऊपर पहाड़ों में, तो आज बने रहे, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। सभी फैमिली एंड रावत के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अशोक रावत स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोगों का। कि जैसे कि आप में से कई लोग पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक में स्थित कोलाघाट के पाटलू गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो आज सुबह का मौसम देखिए, नाश्ता वास्ता तो कर लिया आज हमने, और अभी जा रहे हैं हम ऊपर पहाड़ों में। आज ये देख सकते हो चारों तरफ कैसे कोहरा लगा हुआ है। तभी मैं आपको पहले मौसम दिखा देता हूँ, फिर आज चलेंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं हम जंगल की सैर करने। चलिए आपको भी ले चलते हैं, कोहरा तो लगा हुआ है चारों तरफ। अरे पीछे देख सकते हो हमारे लक्की भाई का घर है, जो कि अब बिल्कुल प्लान हो चुका है। और ये नींबू का पेड़, ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हो दोस्तों, अब चल रहे हैं हम। ऐसे मौसम में रिक जो होता है, रिक का भी डर लगता है, रिक यानी कि भालू, क्योंकि ऐसे मौसम में कहा जाता है कि भालू भी काफ़ी अटैक करता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आज जा रहे हैं हम जंगलों की सैर करने, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलिए बने रहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे लाल बटन दबाकर तो वो भी कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि देखिए हमारे उत्तराखंड के क्या खूबसूरत जंगल है। तो चलिए चलते हैं। अब पहुँच चुके हैं हम ऊपर जंगलों में, और एक पीछे आपको दिख रही होगी हमारी दीदी जी, अब जो देवी बन चुकी है उनका मंदिर है। एक बार मंदिर का भी सीन दिखा देते हैं आपको, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम सबसे ऊंची चोटी पे, देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल सीन कैसा है नज़ारा। आज आपको जंगल के नज़ारे और सीन दिखाएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये देख सकते हो आप, इस समय हम पूरे सबसे ऊंची चोटी पे है, और यहाँ से पीछे देख सकते हो आप गहराई है बिल्कुल नीचे, और हल्की हल्की धूप भी निकल आ रही है, पर कोहरा लगा हुआ है आज बहुत भयंकर कोहरा। यहाँ से पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ आपको कितनी अच्छी सीन है, ये देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल गहराई है नीचे, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है।
तो दोस्तों ये है इस चोटी के सीन। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा सीन देखने में। ये देख सकते हो पूरी चोटी पे खड़ा हूँ मैं, ये देख सकते हो चारों तरफ बहुत भयंकर चोटी है। ये सीन देख सकते हो आप चारों तरफ। कहीं मेरी इधर से धूप पड़ रही है इसलिए शक्ल सही से नहीं आ रही होगी, लेकिन ये देख सकते हो आप। ये चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के देख सकते हो आप। यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। अब धूप भी निकल आई है, धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। आज जो मैंने ये जंगल के सीन लिए, आई होप कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसी सीन हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जंगलों के देख सकते हो चारों तरफ जंगल है और चारों तरफ कोहरा लगा है और ऊपर खाई पे खड़ा हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है। नीचे खाई है इधर पीछे की साइड, इधर आ रहा हूँ तो शक्ल एकदम दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सूरज लग रहा है, इधर से नीचे खाई है। चारों तरफ ये देख सकते हो, मेरे पास DSLR तो है नहीं, पर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो DSLR से भी हम बेटर से बेटर सीन बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपका सपोर्ट रहा तो हो सकता है मैं DSLR से सीन बनाऊँ इन उत्तराखंड के पहाड़ों का। अरे देख सकते चीड़ों के पेड़ों के बीच में हूँ मैं। तो दोस्तों अब आ चुके हम घर पर, थोड़ी बहुत सूखी हुई लकड़ी देख रहे थे नहीं मिली, तो अब आ चुके हम घर पर और वीडियो आपको मज़ा आया होगा सीन देखने में। और फिर मौसम देख सकते हो वैसे ही हो गया, पहले बीच में धूप निकलने लग गई थी ना, उस समय आपने देखा होगा ऊपर धूप निकलने लग गई थी, अब फिर मौसम वैसे ही हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। ये देख सकते हो चारों तरफ वैसे ही हो गया अंधेरा, वैसे ही सीन हो गया, ये चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और सारे जगह बादल छाए हुए हैं। वो वहाँ निकली है धूप बस, बाकी इधर से आज देखते हैं क्या बन रहा है खाना। क्या बन लो खाना आज? ढपड़ी, ढपड़ी चावल बन रहे हैं आज, और ढपड़ी चावल खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बस यही वीडियो का एंड करेंगे। आज बना है दिन में ढपड़ी और चावल ना, ना तो ढपड़ी बहुत बढ़िया, ढपड़ी यानी कि राई, आज बनी है राई और चावल। अब खाना पीना खाने के बाद अब थोड़ा सा हम अपनी ताई जी से एक पुराना सॉन्ग सुनेंगे, आपकी कुछ उत्तराखंड की यादें ताज़ा कराएंगे। चलिए अब सुनाते हैं आपको एक पुराना गीत। दगड़ो एक पुराना गीत सुनो मैं तुम दही, जो मेरे सास ससुर गाल है वो गीत सुनाना मैं तुम दही। आज चैनल तो लाइव करया, शेयर करया, सब्सक्राइब करया हूँ बस जी। और ये रे प्याजा रंगी सर की ले वो दुरंगी बोने, रे प्याजा रंगी सर की ले वो दुरंगी बो आगे ली बागेली बो आगे ली बागेली बो की ते नी ए सोनो बो दा तोड़ी दागेली बो की ते नी हे सोनो बो दा तोड़ी दागेली बो मेरे प्याजा रंगी सर पीले वे दूरंगी बो मेरे प्याजा रंगी सर कीले वे दूरंगी
बोकले की प्यारी की बोकले की प्यारी की बोसा में मिठाई बोकी बेटिया बो आगे कुरुआ बोके देने जाकुल बोदा मेली की दुआ बोके देने चैनल सब्सक्राइब और लाइक करे हो और अगले वीडियो में तुम जाइए फिर मिलो धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम खाना खा रहे थे इतनी तेज बारिश आई, खाना खाते और खाना खा के जैसे उठे बारिश बंद हो गई, ये देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी बातें आपको सच्ची लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।